आपको सातों सुख नहीं मिल सकते। सातों सुख नहीं मिल सकते आपको भाई, सातों सुख मिला। हमें बता, हमारे रिलीजन बताया गया कि भाई इंसान के पास सात सुख होते हैं। तुम्हारा पहला सुख होता है निरोगी काया। और कोई इंसान जिसकी बॉडी निरोगी है, जो निरोगी रहता है, उसमें कोई रोग नहीं है, तो वो सबसे पहला सुख माना गया है। और वहीं दूसरा सुख माना गया है घर में हो माया। निरोगी काया घर में हो माया, माया में यहाँ पे मतलब है पैसे से। घर में बहुत सारा पैसा है तो आदमी बहुत सुखी सुख है, ये दूसरा सुख कहा गया है हमारे यहाँ पे। और तीसरा सुख है हमारे यहाँ पे सुलक्षण नारी, मतलब किसी व्यक्ति की ऐसी वाइफ हो जो सुलक्षण हो, जो मतलब उसमें कोई ऐब ना हो, सुंदर हो, सुशील हो, सभ्यता से बात करे, सभ्यता से रहे, वो तीसरा सुख माना गया है हमारे रिलीजन में। वहीं चौथा सुख माना गया है सुत आज्ञाकारी। सुत यहाँ पे पुत्र होता है, पुत्र आपके पुत्र मतलब आपकी संतान जो है आज्ञाकारी है। तो माँ आपके लिए और क्या चाहिए, आज्ञाकारी संतान है तो उसका मतलब यह है, तो उसको सबसे बड़ा सुख यही है। आपका पांचवा सुख है मित्र घनेरे। मित्र घनेरे मतलब ये आपके क्लोज फ्रेंड्स होने चाहिए, आपका कोई दोस्त मक्कार नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पांचवा सुख माना गया, जिस व्यक्ति के पास में सबसे अच्छा मित्र है, जो उसको क्लोज रहता है, साथ में रहता है उसके हमेशा, वो साथ देता है, उसे भरोसा कर सकता है, तो उसे बोलते हैं मित्र घनेरे। ये आपका पांचवा सुख माना गया है। छठवां सुख है आपका है खुद का देश में वो आवास रहना, मतलब खुद का घर मकान होना और खुद के देश में ही रहना। खुद के देश में निवास है आपका, तो आप सबसे ज्यादा सुखी है वहां पे। आप रह रहे हैं किसी और मकान में तो आपको क्या 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 कलेश बना रहेगा, या किसी और देश में रह रहे हैं तो पता नहीं कब आपको देश निकालना पड़ जाए। तो खुद के देश में रहना, खुद के घर में रहना, एक ये आपको छठवां सुख माना गया है। और सातवां सुख है संतोषी जीवन, जो आजकल लोगों के पास है नहीं है। जीवन तो जी रहे हैं वो लोग, बस पैसा है सब कुछ, लेकिन संतोष नहीं है जीवन में। संतोष ना होने के कारण वो लोग दुखी हैं। तो संतोषी जीवन होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के हम लोग ये सातों सुख बताए गए हैं हमारे। तो हम इतनी बोलते हैं भाई, किसी को तो हम बोलते हैं अबे तुझे सातों सुख नहीं मिल सकते, तू कह रहा तो गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए और तो पढ़ाई भी ना करना पड़े, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो इस बात को आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू, मतलब आपके पास केक है, आप चाहते हो उसमें घर पर लेके भी चला जाओ और खा भी लो, तो यू कैन नॉट हैव दिस केक एंड ईट इट टू। या तो खा लो यहीं पे, या आप घर लेके चले जाओ, एक ही काम हो सकता है। सात और सुख नहीं मिल सकते। ही वॉन्ट्स टू हैव हिज केक एंड ईट इट टू, वो मतलब उसे सात और सुख चाहिए, केक रखना भी चाहता है और खाना भी चाहता है। तो नो बडी कैन हैव द केक एंड ईट इट टू, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। इंग्लिश सीखने को वेस्ट जनरेट इंग्लिश।